मैं दोस्तों मेरा दिन फिर से अपने यूट्यूब चैनल के स्वागत करता हूँ। सब सोचते होंगे आज का जो वीडियो है वो खास, हमने जो दिवाली के अवसर पे जो आया है आईपीओ उसके बारे में बात करेंगे। और होप सो आपने दिवाली अच्छी तरह से मनाई होगी और आपका नव वर्ष भी अच्छी तरह से मना होगा। और मैं यही आशा करता हूँ कि आगे आने वाला जो साल है, जो दिवाली के नव अवसर के बाद जो आपका जो नेक्स्ट दिवाली तक आने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों क्रिएट हो। हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर और जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जितने भी कस्टमर जो क्लाइंट हो जो भी है और हमारे रिलेटिव जितने भी है और आपके रिलेटिव भी जितने हैं, उन सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले दिल में आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों अच्छी होए। तो आज का जो वीडियो खास हमने जो लाया है वो है उस कंपनी का नाम है पेटीएम करो। ये कंपनी का आपने डायलॉग जरूर सुना होगा। उस कंपनी के रिलेटेड आईपीओ की बात करेंगे जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी का जो आईपीओ जो है लगभग 16000 करोड़ के आसपास आने वाला था पहले, जो अभी 18300 करोड़ का आया इतना आया। और ये इंडिया का जो सबसे बड़ा आईपीओ है आज की तारीख में। और इसमें यही है कि सबको लगभग अलॉटमेंट तो मिल ही जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ में क्या क्या चीज़ नई चीज़ें और क्या क्या इनकी अच्छी चीज़ है और क्या इनकी नेगेटिव चीज़ भी है, और उसके बाद रिव्यू थोड़ा सा हम लेने की ट्राई करेंगे। सो पहला जो कंपनी ने जो 8 नवंबर से आईपीओ ओपन हुआ है, नवंबर 10 तक रहने वाला है। और बुक बिल्ड आईपीओ है, ₹1 का फेस वैल्यू है, मतलब ₹1 का शेयर है। और उसके लिए कंपनी आपको 2080 से 2150 का प्राइस बैंड के बीच में आपको शेयर देगी, जिसमें आपको एक लॉट में 6 शेयर मिलने वाले हैं। बीएससी दो एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। और इसमें 18300 करोड़ का इश्यू साइज है, फ्रेश इश्यू उसमें से 8300 करोड़ का है जो कंपनी के हाथ में पैसा जाएगा। 10000 करोड़ जो है प्रमोटर और जो इनके इन्वेस्टर है उनके हाथ में पैसा जाएगा। ओएफएस में देखेंगे तो कंपनी के जो सीईओ है विजय शंकर, उन्होंने कुछ शेयर्स अपने इसमें फ्लोट पर रखे हुए हैं, मतलब रखे हुए हैं ओएफएस में। उसके बाद अलीबाबा जो है, जो जैकमा का कंपनी है, और एंड फाइनेंशियल्स ये जो इन्वेस्टर कंपनी है। इसके बाद एलिवेशन कैपिटल, सेफ थ्री मॉरिशस कंपनी, सेफ पार्टनर्स, ये सब कंपनियों ने अपने जो शेयर्स है वो फ्लोट करके रखे हुए हैं ओएफएस में। फिर पेटीएम का अगर हम टाइम टेबल देखें तो लगभग नवंबर 15 के आसपास आपको अलॉटमेंट आएगा, नवंबर 18 के आसपास आपको लिस्टिंग होती दिखेगी। और इसके बाद अगर मिनिमम हम शेयर की बात करें तो एक लॉट के लिए आपको 6 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको दोबारा ₹900 का इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 193,500 का इन्वेस्टमेंट करना है। रिजर्वेशन की बात करें तो कंपनी ने QIB जो 75% रखा हुआ है और NIS के लिए 50% रखा हुआ है और रिटेल के लिए 10% रखा हुआ है। कंपनी का अगर हम डिटेल की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी का 2000 में हुआ था। 197 कंपनी लिमिटेड जो है इंडिया की डिजिटल, आप बोल सकते हैं इकोसिस्टम, जो डिजिटल पेमेंट में इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कंज्यूमर एवरेज मर्चेंट दोनों को सर्विस देती है। और मार्च 31 के हिसाब से तो इन्होंने 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस और 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट जो है वो उनके साथ इस इनकी सर्विस का काम करते हैं, जो सर्विस इनकी प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेमेंट, इनकी तीन सर्विस मेन सर्विस है जिन्होंने बताया है, पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। इसमें इतने सारे इन लोग के कस्टमर्स बेस है। कंपनी का अगर समझो फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने किया था पेटीएम ऐप, वो 2009 में इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद कंपनी की आप देखेंगे तो ब्रांड वैल्यू बहुत ही मतलब बढ़ गई है उसके बाद। और आज की तारीख में तो 6.3 बिलियन इनकी ब्रांड वैल्यू है 2020 रिपोर्ट के हिसाब से। और ये कंपनी जो है आप बोल सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन एट स्टोर्स, टॉप अप मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, एक्सेस डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, टिकट परचेस के लिए, ऑनलाइन गेम के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब सर्विसेज धीरे धीरे प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ वो अभी प्लेटफॉर्म फॉर मतलब एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस में भी काम करती है, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कस्टमर एंड लॉयल्टी सॉल्यूशंस के भी काम करती है। और पेटीएम का अच्छा खासा उन्होंने अपने कस्टमर को लॉयल्टी भी दी है, मतलब कैशबैक और उसके थ्रू, तो ये भी एक उनका एक पॉइंट है। तो कंपनी का अगर समझो रेवेन्यू का हम देखें तो जो 197 जो कंपनी है वो अकेले ही नहीं कमाती, उसके नीचे एक बहुत सारी सब्सिडीज है, 30 सब्सिडीज है, उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सब्सिडी बनाई। जैसे आप बोल सकते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कंपनी बनाया है पेटीएम मनी लिमिटेड, फिर इंश्योरेंस के लिए उन्होंने पेटीएम मनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, फिर गेम के लिए भी उन्होंने एक नई कंपनी बनाई पेटीएम फर्स्ट गेम्स लिमिटेड। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी कंपनी बनाई, इन कंपनी के साथ वो काम करके 197 अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और इनके शेयरिंग बेस पर उसका काम होता है। कंपनी का अगर पेमेंट सर्विस की बात करें तो पेमेंट सर्विस में लगभग इनको 70% का रेवेन्यू आता है, कॉमर्स एंड क्लाउड से इनको 25% का रेवेन्यू आता है, और फाइनेंशियल सर्विस से इनका 5% का रेवेन्यू आता है। और इसमें इन लोग का मतलब ऐसा है कि जो इवन एक्सपेंसेस का भी रेशियो लगभग इनके आसपास ही रहता है।
तो कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो पेमेंट सर्विस में आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म में लीडिंग है, 6.3 बिलियन का वैल्यूएशन है, 33 मिलियन के कस्टमर है, 114 मिलियन के इनके एनुअल ट्रांजेक्शन यूजर है, 21 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है, राइट। और पेटीएम सुपर ऐप जो इनके जो जो ऐप है वो बहुत ही पॉपुलर ऐप है। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटिव प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, जो इनके प्रमोटर जो जो फाउंडर है उनकी इतनी अभी होल्डिंग नहीं जो प्रमोटर कहलाए, बट एक प्रॉपरली मैनेज कंपनी है और बहुत सारे नामचीन इन्वेस्टर्स के पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू यही है कि पहले तो जो 10,000 करोड़ जो है वो OFS के थ्रू इन्वेस्टर को एग्जिट करवाना है थोड़ा बहुत, और इसके बाद जो बाकी जो 8,300 करोड़ है वो एक्विजिशंस के लिए या फिर फर्दर एक्सपांशन के लिए और नए नए बिजनेस इनिशिएटिव और नए नए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए इसमें वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। और ये लगभग इसमें कम से कम आपको आप देख सकते हैं कि 6,300 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला है। कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें तो लगभग आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल है बहुत निराशाजनक फाइनेंशियल है, तो इसके बेस पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी में मतलब इन्वेस्टमेंट करने का भी मन नहीं बनाएंगे। सो इसमें कंपनी के मार्च 19 के अगर समझो टोटल असेट देखें तो 8,766 करोड़ का है, इसके बाद 10,330 का मार्च 20 का है, मार्च 21 में 9,151 का है, और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर जून 20 और जून 21 के कंपेयर करें तो 10,277 जून 20 का था और 9,459 का जून 21 में था। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 3,579 का टर्नओवर मार्च 19 का था, फिर इसके बाद डिक्लाइन ट्रेंड आ गया, मार्च 20 में 3,540 हुआ, मार्च 21 में 3,186 करोड़ का हुआ, और इसके साथ साथ इनके जो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते तो 649 का रेवेन्यू मार्च जून 20 का था जो बढ़ के जून 21 में 948 का, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज बट ईयर टू ईयर वो डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रहा है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें तो 4,230 करोड़ का लॉस था, फिर इसके बाद लॉस रिड्यूस होकर 2,942 करोड़ का हो गया मार्च 20 में, मार्च 21 में 1,701 करोड़ का हो गया, और इसके बाद ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो 284 का रेवेन्यू सॉरी प्रॉफिट ऑफ टैक्स टैक्स था सॉरी लॉस था और 381 का लॉस जून 21 में था। तो आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर में लॉस में डिक्लाइन तो हुआ है, मतलब 4,230 से 1,701 करोड़ का लॉस जो है आया है मार्च 21 में, और बट क्वार्टर टू क्वार्टर में ये इंक्रीज हो रहा है। ईयर टू ईयर में कम होने का रीजन भी ये भी है कि कंपनी ने बहुत सारे अपने जो ब्रांडिंग रिलेटेड और जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब जो 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 भी जो खर्चे थे उसमें बहुत कंट्रोल किया है और वो उनको बहुत रिड्यूस लेवल पे लाया है, तो इसके वजह से प्रॉफिट थोड़ा मतलब आप बोल सकते हैं कि लॉस उनका जो है कम हो गया है। फिर कंपनी के और वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी लगभग समझो आप लास्ट जो उन्होंने जो जो इन्वेस्टर को पैसा दिया था इन्वेस्टर के पास से पैसा लिया था नवंबर 2022 में, तो उसमें उन्होंने 18,778 के भाव पे लिया था, तब उनका फेस वैल्यू जो था 10 रुपये के हिसाब से था और आज का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ के हिसाब से, अगर उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 1,876 रुपये में उन्होंने एक शेयर दिया था मतलब इन्वेस्टर को, और आज के में वो 2,150 के आसपास लगभग आप बोल सकते हैं कि 200-300 रुपये प्रीमियम के ऊपर कंपनी लेके आ रही है। इंस्टेड ऑफ कंपनी बेयरिंग कंपनी हैव अ लॉस और आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू डिक्लाइन ट्रेंड में भी कंपनी इतना मतलब महंगा शेयर लेके आ रही है। और दूसरा आप देखेंगे तो EPS तो कुछ रहेगा नहीं बिकॉज सब कुछ नेगेटिव है, मतलब लॉस है इसके लिए, और रिटर्न नेटवर्क तो कुछ रहेगा नहीं। दूसरा इनका जो अगर गौर करने की बात है कि NAV जो है वो पॉजिटिव है, वो भी 104.67 रुपया जो है इनका NAV है, फिर भी उसके कंपनी में देखें तो शेयर तो महंगा ही है। दूसरा इसमें NAV पॉजिटिव होने का रीजन ये है कि कंपनी को इन्वेस्टर के साथ भरपूर पैसा मिला है, तो वो उसके वजह से क्या उन्होंने रिजर्व जो स्टॉक प्रीमियम है वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है वो बहुत ज़्यादा लिया है, इसके वजह से उनका जो जो ये नेटवर्थ जो है NAV जो है वो पॉजिटिव में है। अगर इनका NAV इनका अगर पैसा नहीं मिलता तो NAV भी नेगेटिव होता। और इसमें और पॉइंट है लिटिगेशन का, एक पॉइंट है दो पॉइंट एक्चुअली उसमें से, पहला पॉइंट जो लिटिगेशन का है वो टैक्स रेवेन्यू के बेस पे है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में तो इतना इनका वो डिमांड नहीं है डिपार्टमेंट के थ्रू, बट इनडायरेक्ट टैक्स में इनको 37333 मतलब 3,773 करोड़ का तो इनका डिमांड है, अगर वो अगर उनके अनफेवर में जाता है तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये एक है। और दूसरा एक और है कि एक अशोक कुमार सक्सेना जो फाउंडर थे उन्होंने एक लिटिगेशन मतलब कंपनी पे लगाया है, $27,500 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था जब कंपनी मतलब स्टार्ट हुई थी तभी उस टाइम में, तो वो अभी अभी भी वो मैटर चल रहा है और उसके भी मतलब हियरिंग भी चल रही है। उसके बाद कंपनी का अकॉर्डिशन न्यूज देखें तो कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 122 इन्वेस्टर्स से 8,235 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट ले लिया है, जिसमें बहुत सारी कंपनी है जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ है, फिर कैनेडा पेंशन प्लान है, मिरारे एसेट है,
HDFC म्यूचुअल फंड है, मॉर्गन स्टैनली है, गवर्नमेंट सैग है, और नोमरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड है, फिर सेंस कैपिटल फंड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, वैनगार्ड है, मतलब इतने सारे इन्होंने इन्वेस्टर से अच्छे, ब्लैक रॉक है, ये सब बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर से भी उन्होंने पैसा लिया है। इसमें मोटा मोटी अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 197 एक अच्छा खासा डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम में काम करती है, लीडिंग डिजिटल में काम करती है, और लार्जेस्ट कस्टमर बेस है एज कम्पेयर टू अदर्स पीयर्स जो उनके अब देखते हैं, बट लिस्टेड पीयर्स नहीं है ये सब, बट उनके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से करती है। इंडस्ट्री में जो क्या बोलते हैं 40% का रेवेन्यू, 40% का जो इनका शेयर है, मार्केट शेयर है इस पूरे सेगमेंट में, और आप बोल सकते हैं कि इनके, बट इनके अगर फाइनेंशियल पैरामीटर में बात करें तो वैल्यूएशन जो इन्होंने बहुत ही महंगे लाए हैं, और आप बोल सकते हैं इस नेगेटिव वैल्यूएशन, इस नेगेटिव परफॉर्मेंस में इतना वैल्यूएशन नहीं रखना चाहिए था। और कंपनी का एक और खास बात है कि इन्होंने अपने RHP में एक क्लॉज डाला है कि भाई मतलब अगर आपको रिवेस करना है तो RHP आप रिफर कर सकते हैं 38-39 के पेज नंबर पे, कि हम लोग जो है कंपनी कभी प्रॉफिट में आएगी हम लोग उसकी, मतलब आप बोल सकते हैं कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कभी अचीव करेगी उसका अभी तक उनका कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक उन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ है। तो इसमें यही कह सकते हैं कि ओनली इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रिस्क टेकर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है तो ही आप रिस्क कीजिए, अदरवाइज इसमें आपको मतलब एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करने की मतलब छोड़ दे तो भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी हम अभी तक आपको रिकमेंड नहीं कर सकते कि कंपनी कभी प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि इसमें ये कंपनी जो है अगर देखें तो इंडस्ट्री तो 25 से 30% के पैसे में रेंज पे ग्रो कर रही है, बट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12% के आसपास लगभग ग्रो कर रहा है बराबर, और बट उसमें ये उसमें ऐसा 12% के CAGR के आसपास ग्रो कर रही है, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा बिकॉज कंपटीशन इस फील्ड में बहुत बढ़ने वाला है और बहुत आगे नए नए प्लेयर्स आने वाले हैं, जिसके वजह से कंपनी को बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही इसी में यही एडवाइस है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर कर रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ना है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती नियर फ्यूचर में तो आप देखिएगा, बट अभी इसके लिए इग्नोर भी कर दे और इवन आप लिस्टिंग के बाद भी ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो इसलिए होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको कंपनी के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास आई होगी, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जो आने वाले और अपकमिंग वीडियोज जो है आपके पास पहुँच सके और आप इस तरह से अपने को नॉलेज को बढ़ा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।